क्या हाल है, चलिए कुछ बात करते हैं। आज की बात ये है दोस्तों कि सभी बच्चे किसी न किसी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ अलग बताने के लिए आए हैं दोस्तों। हम ये बताने के लिए आए हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जॉब की, किस जॉब की, प्राइवेट जॉब की, सरकारी जॉब की। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सोच के बताइए आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपको टाइम लगने के लिए सरकारी, जब आपने डिसाइड किया था, दोस्तों, तो क्या यही डिसाइड करके कि थोड़ा देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर तैयारी करेंगे, फिर थोड़ा देर पढ़ेंगे और फिर थोड़ी देर तैयारी करेंगे, इसीलिए आपने तैयारी शुरू की थी। आपको ऐसे तैयारी नहीं करनी है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो SBI PU 2024 की, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, SBI क्लर्क 2024-25 की, और किसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या आप लोग तैयारी जो है कॉन्स्टेंट माइंड से करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा सा दूसरा जो उससे बात करते हैं, फिर उससे बात करते हैं, आप तैयारी करते हैं या बात करते हैं, आप पढ़ते हैं या सिर्फ किताबें देखते हैं। अगर आप पढ़ने से पास हो जाते दोस्तों, तो आप तैयारी किस किस चीज़ की देख रहे हैं दोस्तों, तो IBPS PU 2025, क्योंकि 24 हो गया, कुछ दिन में मेंस का एग्ज़ाम है, दो दिन बाद आप तैयारी IBPS PU मेंस का कर रहे हैं, IBPS क्लर्क 2025 की कर रहे हैं, IBPS RRB PU 2025 की कर रहे हैं, IBPS RRB क्लर्क 2025 की कर रहे हैं। आप अपने स्थिर माइंड, अकेला रहिए, शांत रहिए और सोच करके देखिए, क्या हमने जो पढ़ा, क्या आप सही पढ़ें, एकदम तरीके से पढ़ करके आए। आपने जो पढ़ा दोस्तों, आपने जो तैयारी की, क्या तैयारी की है कि हम इस बार जा रहे हैं हंसते हुए उनसे एग्ज़ाम देंगे, क्लियर हो जाएगा, कैसे सोचने। आप अगर तैयारी किए होंगे, स्थिर माइंड जानते हैं ना दोस्तों, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्या पढ़ना होता है, इस सभी में क्या कॉमन सा है, क्या पढ़ते हैं आप, जिस छः बैंक का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 6 बैंक का एग्ज़ाम होता है, पॉइंट होता है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग होता है 35 क्वेश्चन, इंग्लिश होता है 35 क्वेश्चन, इसमें भी आपका बैंड बजा हुआ, आपसे हो नहीं रहा, क्या फिर कर क्या रहे। आपके अंदर जो जुनून है या आपके अंदर जो एग्ज़ाम निकालने का आपने ठाना कि नहीं इस बार हमको एग्ज़ाम निकालना है, तो क्या आप मेहनत उस लेवल की कर रहे हैं। एक बार दिल पे हाथ रखिए, स्थिर माइंड से सोच करके बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है तो आप मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हैं। क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, 2025 होगा, फिर से वही दिन, फिर से वही दौर शुरू हो जाएगा, एक बार फिर एग्ज़ाम दीजिएगा, अरे इसमें नहीं, IBPS RRB PU में नहीं हुआ, IBPS क्लर्क में नहीं हुआ, SBI तो आया नहीं है दोस्तों, SBI दिसंबर में मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आएगा, तो जनवरी में एग्ज़ाम होगा। सोच के बताइए, आप पढ़ रहे हैं, इतनी बातें समझ में आई। अगर ये बातें समझ में आया कि हमको SBI PU, SBI क्लर्क, IBPS PU, IBPS क्लर्क में पढ़ना, इसमें जॉब लेना है, पक्का करना है, एक अच्छी खासी सैलरी के साथ अच्छा खासा हमको इज्जत मिलनी चाहिए, तो आपको
इस माहौल में, जिस माहौल में आप रह रहे हैं और जिस तरीके के आपके दोस्त हैं, उससे हट के आपको सोचना होगा, तभी आप जा कर के क्या करिएगा जानते हैं, सक्सेस पाइएगा। इतनी बातें समझ में आई तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।